pela mar. Pranam Maharaj ji. Aste kashit. Aste kashit moto karashe. Aste kashit. Ananya punya phalabhuk. Danya sammanyo bhavi. कश्चित महात्मा हमारे सामने उपस्थित हैं, पूर्वकृत अनंत पुण्य के फल का भोग कर रहे हैं, धन्य हैं, और कैलाश पीठाधीश्वर के अध्यक्ष स्थान पर मान्य सम्मान्य हुए हैं। कैलाश पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर प्रातस्मरणीय परम वंदनीय पूज्य स्वामी विजयानंद पुरी जी महाराज का अध्यात्म विद्या मंदिर प्रेरित इस शिविर में हम स्वागत करते हैं। महाराज जी आपका स्वागत है। महाराज जी से पूछने गए थे हम परिचय, मैंने पूछा महाराज जी घर का त्याग कब किया, महाराज जी ने तारीख बता दी, इस तारीख को किया। मैंने कहा कौन सी उम्र में किया, उन्हें जन्म तारीख बता दी कि हमारी जन्म तारीख है और इस तारीख को हमने त्याग किया, 23 साल की हमारी उम्र थी। सत्यकाम झाबाल की याद आ गई, इतनी सरलता से महाराज जी ने अपना परिचय देना शुरू किया। 23 साल की उम्र थी जब घर का त्याग किया, काशी के पास किसी गांव में जब प्रागट्य था महाराज जी का, बम्बई में माता पिता का साथ रहते थे, भाई बहन भी थे, और छोटा मोटा सत्संग वहाँ हुआ करता था। उन सत्संगों से प्रेरणा मिली, वैराग्य प्राप्त हुआ और 23 साल की उम्र में घर का त्याग किया। हमने पूछा महाराज जी पढ़ रहे थे या पढ़े थे, महाराज जी बोले MSc पार्ट 2 इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में महाराज जी पढ़ रहे थे, पार्ट 1 पास कर लिया था, पार्ट 2 की इम्तहान देनी थी। महाराज जी ने सोचा अब महात्मा बनने में या सन्यास में या वैराग्य में इसका कोई स्थान नहीं है, परीक्षा नहीं दी और वैसे ही चल दिए। हमने पूछा माता पिता की अनुमति ली थी, किसी से पूछा नहीं, किसी से कुछ कहा नहीं, निकल गए घर से। हमने कहा किसी के मार्गदर्शन में किया था, नहीं वैसे भी नहीं, इतना तीव्र वैराग्य था कि आगे पीछे की सोचने का अवसर ही नहीं था। महाराज जी निकल गए घर से, इधर उधर घूमते घामते हरिद्वार पहुंच गए। हरिद्वार में मिले महाराज जी को स्वामी अरविंदपुरी जी महाराज, गुरु जी बोलते हैं महाराज जी उनको। तो सबसे पहले मुलाकात महाराज जी की, वे शंकर परंपरा के दशनामी संप्रदाय के ही थे, उनसे दीक्षा हुई। मैं सोचती हूँ ब्रह्मचर्य दीक्षा हुई होगी क्योंकि संन्यास तो बाद में हुआ, पर साधु में प्रवेश मिल गया तो दीक्षा हुई। उसके बाद 2003 में, मतलब ये दीक्षा हुई 2003 में, 2004 में उज्जैन में कुंभ में गए, वहाँ साधुओं को तो देखना ही बनता है, तो साधुओं के दर्शन किए होंगे, और बीच में ओंकारेश्वर भी गए दर्शन के लिए, फिर वापस आए, कुंभ पूरा हुआ, दोबारा ओंकारेश्वर गए, वहाँ महात्मा से अध्ययन का थोड़ा बहुत आरंभ किया। महाराज थे रामानंद जी महाराज, बहुत ही प्रसिद्ध नाम है। महाराज जी कहते हैं ऐसे निष्ठावान महात्मा हमने आज तक दूसरे नहीं देखे, अत्यंत प्रसिद्ध नाम है रामानंद जी महाराज का। वे 2000 से पढ़ाना बंद कर किए हुए थे, तो पढ़ाते नहीं थे, पर प्रवचन प्रश्नोत्तर इत्यादि का थोड़ा बहुत लाभ उनको मिला। वहाँ बहुत लोग आते थे, सभी नर्मदा परिक्रमा के लिए जा रहे थे, तो महाराज जी ने सोचा हम भी चलो नर्मदा परिक्रमा कर लें, तो परिक्रमा के लिए गए। 1 साल और 4 महीने 15 दिन, सभी कुछ पक्का है, तो इतने महीने इतने दिन हमने परिक्रमा की। चातुर्मास किया था मंडला में मध्य प्रदेश में, हमने कहा भिक्षा मांगने में कुछ दिक्कत नहीं हुई, बोले नहीं साधु तो बने गए थे, फिर भिक्षा मांगने में क्या मुश्किल थी।
तो भिक्षा मांगते रहे, नंगे पैर पैदल फिरते हैं परिक्रमा में नर्मदा की, तो काफ़ी मुश्किल होती है। मैंने ये भी पूछ लिया कि परिक्रमा करना कोई अच्छी बात है, तो बोलते हैं साधु बनना एयर कंडीशन रूम में बैठकर नहीं सीखा जाता, प्रवचन करते और कराते सुनाते साधु बनने के लिए ये अभ्यास होता है, शीतोष्ण सुख दुखेशु समह वगैरह, मान अपमान में समय रहना, तो भिक्षा मिले भी ना भी मिले कुछ उल्टा सीधा होता रहे और हम प्रसन्नता से अपना काम साधना करते रहे, हम सीखते गए और इसी ने हमको साधु बनाया सच्चे अर्थ में। और दूसरा इससे लाभ ये हुआ कि बहुत महात्माओं ने प्रेरणा दी, आप पढ़ सकते हैं, पढ़ने के लिए काबिल हैं तो आपको अध्ययन करना चाहिए। गुरु शरणानंद जी महाराज का यही हुआ था ना, कहा लोगों ने कहा कि आपको पढ़ना चाहिए, तो इन महाराज जी को भी कहा गया कि पढ़ना चाहिए, उसके बाद आकर उन्होंने पढ़ना चालू किया, वहीं ओंकारेश्वर पहुँच गए और कई साधु वहाँ ऐसे संन्यास आश्रम है और वहाँ पर उन्होंने लोगों सिद्धांत कौमुदी शुरू की, 15-16 लोग पढ़ते थे, उसके बाद न्याय वगैरह पढ़ते गए, लघु प्रस्थान त्रय का अध्ययन वहाँ किया, भगवद्गीता उपनिषद और ब्रह्मसूत्र। वहाँ से आए कैलाश आश्रम और कैलाश में बड़े महाराज जी जिसे जिन्हें कहा जाता है आजकल, तो स्वामी दिव्यानंद गिरी जी महाराज जिन्हें हम बुलाते रहे पिछले वर्षों में, तो उनसे बृहद प्रस्थान त्रय का चित सुखी खंडन खंड खाद्य अद्वैत सिद्धियों का अध्ययन किया, उसके साथ पंचभादी का विवरण तत्वदीपन संक्षिप्त शारीरिक बृहदाणिक वार्तिक दोनों खंड, इन सब का भी इसी प्रौढ़ ग्रंथों का भी अध्ययन किया। उसके बाद महाराज जी ने इन सभी का अध्यापन भी किया, तो पढ़े भी और पढ़ाए भी। मैंने कहा कि महाराज जी हम तो जरा छूट लेकर पूछ लेते हैं, तो मैंने कहा महाराज जी आपको अध्यक्ष के स्थान पर नियुक्त किया गया, इसके लिए आप क्या कारण मानते हैं? महाराज जी ने कहा यही प्रस्थान तो बड़े महाराज जी से पढ़े हम और पढ़ाए भी, तो 2011 में आचार्य हो गए थे, कैलाश आचार्य के पद पर नियुक्त हो गए थे और उसके बाद 2012 में उनका संन्यास कैलाश आश्रम से ही हुआ। और तब से अभी ये पीठाधीश्वर तो पिछले साल ही शायद हुए ना, 2022 में, ऐसे हमने यूट्यूब पर देखा था 2022 में पीठाधीश्वर के स्थान पर। फिर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि वो हुआ था ना जब, तो कोई महात्मा आए थे बोलते थे हमारे अखाड़ा के ये महात्मा हैं, तो मैंने कहा उनके हैं कि इनके हैं, तो बोले नहीं बात ये होती है कि मंडलेश्वरों ही मंडलेश्वर बना सकते हैं, तो मंडलेश्वर बनाना मंडलेश्वरों का काम है, अखाड़ा वालों का काम है, अध्यक्ष बनाना कैलाश पीठाधीश्वर अध्यक्ष का काम है, तो कैलाश पीठाधीश्वर अध्यक्ष जो थे उन्होंने अध्यक्ष बना दिया और मंडलेश्वर जो थे निर्वाण पीठ निर्वाण अखाड़ा से जुड़े हुए हैं, निरंजनी अखाड़ा से जुड़े हुए हैं, तो निरंजनी अखाड़ा के महामंडलेश्वरों उन्होंने महाराज जी को महामंडलेश्वर बनाया था, तो उनके पीठाधीश्वर का जो समारोह हुआ था वहाँ वो आए थे, मुझे नाम नहीं याद कौन थे महात्मा, तो बोले हमारे निरंजनी अखाड़ा के महात्मा हैं और उनको अध्यक्ष बनाया गया, हमें इसकी बड़ी खुशी है। तो आज विरक्त शिरोमणि महात्मा हमें प्राप्त हैं, हमें बड़ी खुशी है। अपराविद्या प्राप्त की 23 सालों में पराविद्या का अध्ययन या तो अक्षर अधिगम्यते, अक्षर का अधिगम कराने वाली विद्या, उसका 19 साल अध्ययन हुआ और इतने सालों में महाराज जी इतना कुछ कर पाए, इतना मैंने कहा तेजस्वी तो थे ही, क्योंकि यह सूझना कि हम छोड़कर चले जाएं, मैंने ये भी पूछा, फिर माता पिता की कभी याद नहीं आई, कभी घर जाना नहीं हुआ, कभी उन लोगों ने ढूंढा नहीं आपको, क्या हुआ? बोले उस समय तो इतना तीव्र वैराग्य था कि और कुछ सूझता ही नहीं था। कुछ सालों के बाद विचार आया कि माता पिता का क्या, तो महाराज जी से पूछा, वो ओंकारेश्वर लाल महाराज जी से कि क्या करें, तो उन्होंने कहा कि छोड़ दिया ना, जिस भगवान के भरोसे छोड़ दिया है वो आपको भी देखेंगे उनको भी देखेंगे, अब चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, तो हमने छोड़ दिया। आज तक कभी मिले नहीं, कभी पूछा नहीं, न उन्होंने कुछ संपर्क किया न इनसे महाराज जी ने किया, बोलते हैं एक बार चालू कर दें तो फिर इतना मुश्किल हो जाता है, और सन्यासी भी हो जाए लोग तो कहेंगे इनका देवर है, इनका भाई है, इनका भतीजा है, ऐसे चालू हो ही जाता है, तो घर से संपर्क करना अच्छा नहीं होता, ऐसे महात्मा सभी कहते हैं। इन्होंने भी इसी का पालन किया, उनके गुरु जी ने आश्वासन भी दिया, आश्वस्त हो भी गए, तो उन्होंने ऐसे वैराग्य दिखाया है। तो हम
उनसे प्रार्थना करने गए और महाराज जी ने, मैंने कहा ना सत्यकाम जाबाल की याद करा दी, तो इतनी सरलता से महाराज जी ने हाँ कह दी कि हम प्रवचन के लिए आएंगे, विषय क्या रहेगा? तो बोले कि क्या चल रहा है अध्ययन में? हमने कहा विवेक चूड़ामणि। तो ब्रह्म तत्वमसि भावयात्मनि, ये शब्द विवेक चूड़ामणि ग्रंथ के भगवान भाष्यकर महाराज के हैं, तो महाराज जी ने इस विषय को पसंद किया है। महाराज जी को हम प्रार्थना पूर्वक अब प्रणाम करते हैं कि महाराज जी अपना प्रवचन आरंभ करें। प्रणाम महाराज जी। आनंदकंदं हतपापवृंदं वाराणसीनाथमनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये, श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। दिशन्तु संमे गुरुपाद पांसवः। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ऋषिकेशस्थ श्री दयानंद आश्रम में उपस्थित परम पूज्य स्वनाम धन्य स्वामी विदितात्मानंद सरस्वती जी महाराज, आपके चरणों में मेरा प्रणाम। इस आश्रम के वर्तमान परमाध्यक्ष स्वामी साक्षात्कृतानंद जी महाराज, परम पूज्य पूज्या माता विद्या प्रकाशानंद जी महाराज, स्वामिनी विद्या प्रकाशानंद जी महाराज, आप सभी को मेरा प्रणाम। समुपस्थित श्रद्धा भक्तिमयी माताओं बहनों और श्रद्धालु सज्जनों, आप सभी मुमुक्षुओं का मेरा अभिवादन। बड़े हर्ष का अवसर है कि हम लोग यहाँ इस साधना शिविर में उपस्थित हुए हैं और यहाँ का जो विवेक चूड़ामणि के आधार पर यहाँ विचार चल रहा है। विवेक चूड़ामणि ये जो ग्रंथ है, ये भगवान भाष्यकार का अंतिम ग्रंथ माना जाता है, अंतिम उपदेश इसको जो है, इसलिए इसमें बहुत सार सार बातों को भगवान भाष्यकार ने प्रस्तुत किया है। देखिए, वैसे तो विविधवादी वादी लोग नाना प्रकार के जो मत है, नाना प्रकार के साधनों से वो मुक्ति को मानते हैं, लेकिन भगवान भाष्यकार शुरू में ही बता दिए कि पठन्तु शास्त्राणि यजन्तु देवान्, कुर्वन्ति कर्माणि भजन्तु देवताः, आत्मैक्य बोधेन बिना विमुक्तिर न सिद्ध्यति ब्रह्म सतांतरेपि। कुछ भी कर लो, कुछ लोग तो जो मीमांसक लोग हैं वो लोग कर्मों से मुक्ति मानते हैं। वो लोग क्या कहते, कर्म करो स्वर्ग जाओ, फिर क्या करोगे, स्वर्ग से फिर नीचे चले आओ और क्या करोगे, क्योंकि यद यद कृतकम तद तद अनित्यम, जो जो कार्य रूप होता है वो अनित्य होता है। न्यायिक लोग एकदम देखो एकदम बहुत सुंदर फार्मूला बना के रखे हैं, जो जो कार्य है वो अनित्य है। तो वो लोग प्रमाण भी देते, वो लोग कहते भाई आपके वेदांत में भी आया है कि कर्मणैव संसिद्धिर मास्थिता जनकाय, जनक आदि जो बड़े बड़े ऋषि हुए उन्होंने तो कर्म से ही संसिद्धि की प्राप्ति की है। यद्यपि तात्पर्य देखेंगे, भाष्य आदि देखेंगे तो वहाँ पे संसिद्धि का अर्थ दोनों प्रकार से अर्थ लिए, परंपरया जो है मुक्ति अगर ले रहे हो तो परंपरया लेना पड़ेगा, साक्षात जो है कर्म से मुक्ति नहीं, क्योंकि अगर ऐसा मानोगे तो अन्यत्र शास्त्रों के साथ विरोध आएगा जो कर्म से मुक्ति का निषेध कर रहे हैं। इसलिए एक तो अर्थ किया जाता है परंपरया मुक्ति, अथवा संसिद्धि का दूसरा अर्थ किया जाता है चित्त की शुद्धि। कर्मों से जो है अंतःकरण, निष्काम भाव से जब कर्म करेंगे तो अंतःकरण की शुद्धि होती है।
तो मीमांसक लोग तो कर्म से ही मानते हैं, वो तात्पर्य को नहीं जान करके कर्म से ही मान लेते हैं। और दूसरे जो है कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, मुक्ति उपासना से मिलेगी। अर्चत प्रार्चत प्रिय मेधासो अर्चत, हे सुंदर बुद्धि वाले लोगो, अर्चना करो, उपासना करो, उपासना से तुम मुक्त हो जाओगे। तो भाई उपासना से भी साक्षात मुक्ति नहीं है। उपासना से जो है देवता को आप भिन्न करके जान रहे हो, उपासना कर रहे हो, उस देवता के लोक की प्राप्ति आप करेंगे, मुक्ति नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, गुरु के अनुग्रह से मुक्ति लभते गुरु अनुग्रहात्, गुरु जी सिर पे हाथ रख देंगे तो मुक्ति मिल जाएगी, ऐसा भी कुछ लोग कहते हैं। तो अगर शिष्य के अंदर योग्यता है तब तो हो सकता है। जैसे स्वामी विवेकानंद जी के सिर पे हाथ रख दिए तो क्या कितने विवेकानंद हुए? हजारों हुए क्या? एक ही तो विवेकानंद हुए। तो अगर शिष्य के अंदर योग्यता है तो गुरु कृपा कर सकते हैं। शिष्य के अंदर योग्यता नहीं है तो गुरु जो है कृपा नहीं कर सकते। इसलिए और कुछ लोग सांख्यवादी लोग कहते हैं कि प्रकृति पुरुष का विवेचन करो। प्रकृति जो त्रिगुणात्मक प्रकृति है, गुणों की साम्य अवस्था, उसको प्रकृति प्रधान कहते हैं। उससे जो है फिर संसार हुआ है, त्रिगुणात्मक सृष्टि हुई है। इसलिए जगत की कर्त्री है प्रकृति, जगत को बनाने वाली है प्रकृति। पुरुष तो असंग है, किंतु अविवेक से प्रकृति के धर्मों को, प्रकृति के कार्यों के धर्मों को अपने में मान लेता है। जो बुद्धि आदि है ये सब किसका कार्य है? प्रकृति का कार्य है। और बुद्धि आदि के जो जितने सुख दुख जैसे है, काम क्रोध आदि, सब अपने में आरोपित कर लेता है। कैसे आरोपित कर लेता? अविवेक से। भेद ज्ञान नहीं होता, और जब भेद को जान लेगा तो प्रकृति के धर्म प्रकृति में, मैं उससे अलग हूँ। वो लोग प्रकृति को भी नित्य मानते हैं। वो लोग कहते हैं कि देखिए, जो प्रकृति है, जब पुरुष और प्रकृति का विवेचन हो जाएगा तो प्रकृति भी रहेगी, पुरुष भी रहेगा, लेकिन दोनों का संबंध नहीं बनेगा, ऐसा मानते हैं। लेकिन इसमें दोष है, क्योंकि ऐसा मानोगे, भेद तो है ही। जो त्रिविध अनंत है वो नहीं घट पाएगा आत्मा में। देश काल वस्तु परिच्छेद, तीन प्रकार के परिच्छेद का आत्मा में अभाव है, हो पाएगा क्या? वो भी दूसरी बात हो, को लोग अनंत आत्मा मानते हैं, और उसमें वो लोग युक्ति देते हैं कि जो है अगर एक ही आत्मा मानोगे तो एक के पैदा होने से सब पैदा हो जाए, एक के मरने से सब मर जाए, एक संन्यास लिया तो सब सन्यासी हो जाए। ऐसे होता है क्या? एक संन्यास ले लिया सब सन्यासी हो जाए? ऐसा नहीं होता है। इसलिए एक ही आत्मा कैसे मानोगे? उनके सांख्यों के कार्य का जन्म मरण करना नाम, हाँ, जन्म मरण करना नाम प्रतिनियमाद अयुगपद प्रवृत्तिश्च पुरुष बहुत्वम सिद्धम त्रैगुण्य विपर्याचैव। सभी के जो है जन्म अलग अलग हो रहा है, मरण अलग अलग हो रहा है, सबकी इंद्रिया अलग अलग है। किसी का आँख बहुत तेज है, दूर से ही देख लेता है, किसी की आँख बहुत कमजोर है, और किसी की आँख में जो है चश्मा चढ़ गया है, और किसी जो है चश्मा लगाने पे भी नहीं देख पाता। तो क्या एक ही आत्मा है? सबकी इंद्रिया अलग अलग है, इसलिए एक ही आत्मा कैसे होगी? प्रतिनिय अयुगपत प्रवृत्तिश्च, साथ में प्रवृत्ति, कोई बैठा है, कोई सो रहा है, कोई चल रहा है। और त्रैगुण्य विपर्याचैव, किसी में सत्व गुण की अधिकता है, किसी में रजोगुण की अधिकता है, किसी में तमोगुण की अधिकता है, इसलिए एक ही आत्मा कैसे होगी? फिर जो है उसका समाधान तो सिद्धांती एकदम सरल शब्दों में दे दिया है कि देखिए, जन्म मरण आदि किसका होता है ये देख लो। आत्मा को पैदा होते और मरते हुए किसी ने देखा है क्या? आत्मा पैदा होता है क्या? पैदा होने वाला शरीर है। तो अन्य के धर्म को अन्य में कहां से आरोपित करे, उसको कारण कैसे गिना रहे हो आप? इसलिए उपाधि में भेद है, आत्मा में भेद कोई दिखा नहीं सकता। भाई आत्मा जब इंद्रियों का विषय नहीं, तो आत्मा में आप भेद कैसे दिखा सकते हो? तो इसलिए वो लोग जो है ये मानते हैं कि प्रकृति पुरुष का विवेचन करो तब मुक्ति होगी। और अन्य लोग जो है योग शास्त्र वाले कहते नहीं, योग साधना करो, वो भी प्रकृति पुरुष का विवेचन मानते, योग साधना करो, समाहित हो जाओ,
तो लेकिन यहाँ भाष्यकार भगवान ने कह दिया कि नहीं, आत्मैक्य बोधेन बिना विमुक्तिर न सिद्ध्यति ब्रह्म सतांतरेपि। जब तक आत्मैक्य बोध नहीं होगा, जीव ब्रह्म की एकता का ज्ञान जब तक नहीं होगा, तब तक ब्रह्मा जी के 100 कल्प बीत जाए तब भी मुक्ति नहीं मिलेगी, ऐसा वहां कह दिए। तो यहाँ पे जो है अब ज्ञान का साधन फिर क्या है, तो इसमें आप जानते ही है, श्रवण मनन निधिध्यासन, श्रोतव्यो श्रोतव्य श्रुति वाक्येभ्य वाक्येभ्यो मंतव्य चोपपत्ति भी मत्वा च सततम ध्येय एते दर्शन हेतव। ये 3 जो है ये श्लोक प्रसिद्ध है। श्रवण करना चाहिए किससे, श्रुति वाक्यों से श्रवण करो। श्रवण क्या है, श्रवण के का अर्थ है षडविध लिंगों के द्वारा वेदांत के तात्पर्य का निश्चय कर लेना। तत्र श्रवणम नाम वेदांता नाम अद्वितीय ब्रह्मणी तात्पर्यावधारणानुकूलो मानसो व्यापार, वेदांत परिभाषा में ऐसा लक्षण किए। श्रवण का मतलब है संपूर्ण वेदांतों का षडविध लिंगों के द्वारा तात्पर्य का निश्चय कर लेना। तात्पर्य का मतलब होता है वक्तुरिच्छा, वक्ता कहना क्या चाहता है। जैसे स्वामी जी आपको 1-1 घंटे सुबह 1 घंटे शाम को बता रहे, तो 1 घंटे में उन्होंने क्या बताया, उसका तात्पर्य क्या है, वो कहना क्या चाहते, ये है तात्पर्य। ये नहीं कि 1 घंटे उन्होंने बोले पहले तो स्वामी जी 10 मिनट उधर कर्म के विषय में बता रहे थे, फिर जो है थोड़ा सा इधर देवता आदि का बताने लगे, फिर कुछ उधर बताने लगे, क्या उन्होंने बताया समझ भी नहीं आ रहा है। भाई आप देखिए ना तात्पर्य, देखिए वचन तो कथन तो बहुत चीज़ों का होगा, लेकिन तात्पर्य रूप से किसका कथन, कहना क्या चाहते, ये आपको जो है थोड़ा शुद्ध बुद्धि से बैठोगे तभी आपको समझ में आएगा। और यहाँ बैठे बैठे घर परिवार का चिंतन करोगे तो तात्पर्य कभी समझ में आने वाला है नहीं, वक्ता कहना क्या चाहते। और बैठे बैठे घर का हिसाब कर रहे हो तो कहाँ से तात्पर्य मालूम पड़ेगा। तो शुद्ध बुद्धि से सब छोड़ छाड़ करके बैठो यहाँ, तभी आपको तात्पर्य समझ में आएगा। तो यहाँ पे षडविध लिंग उपक्रम में क्या है, उपसंहार में क्या है, अभ्यास किसका हो रहा है, बार बार आवृत्ति किसका किसकी किसकी की गई है, अपूर्वता क्या है, फल क्या कहा गया है, अर्थवाद क्या है, उपपत्ति क्या है, उपपत्ति मतलब युक्ति, तीन षडविध लिंगों के द्वारा निर्णय हो जाएगा कि तात्पर्य किसमें, ये श्रुति भगवती कहना क्या चाहती है, ये षडविध लिंगों के द्वारा निश्चय हो जाएगा, इसी को कहते हैं श्रवण। और फिर मनन क्या है, मनन की आवश्यकता क्या है, शास्त्र के तात्पर्य का तो निश्चय हो गया, प्रमाण से जो है निश्चय हो गया, प्रमाण से ही प्रमेय का ज्ञान होता है। तो यहां पे मनन की आवश्यकता इसलिए है कि मनन जब तक नहीं करोगे तब तक वो प्रत्यक्ष जो जगत दिख रहा है ना उससे आपको विरोध दिखाई पड़ेगा, करे एक ही ब्रह्म एक ही आत्मा, ऐसे कैसे यहाँ तो इतने देश दिख रहे हैं, जैसे सांख्य लोग युक्ति लगा ली। तो प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से आपको विरोध दिखाई पड़ेगा, इसलिए उस विरोध का निर्धारण कर विरोध का निराकरण करने के लिए युक्तियों से विचार करना पड़ेगा। इसलिए मनन किसे कहते, मननम नाम शब्दावधारिते अर्थे मानांतर विरोध शंकायाम तन निराकरणानुकूल तर्कात्मक ज्ञान जनको मानसो व्यापार। शब्द के द्वारा तो निश्चय हो गया कि श्रुति का तात्पर्य किसमें है, श्रुति कहना क्या चाहती है, किंतु प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से आपको अत्यंत विरोध दिखाई पड़ेगा, आप उसमें टिक नहीं पाओगे, वो जो ज्ञान है वो पुस्तक में ही रह जाएगी, अब पुस्तक वाली विद्या ज्यादा काम नहीं कर पाती। इसलिए एक श्लोक भी आता है, पुस्तक अस्थातु या विद्या पर हस्त गतम धनम कार्य काले समुत्पन्ने नसा विद्या न तद धनम। पुस्तक में जो विद्या है और दूसरे को उधार दे रखे हो, जब समय आया तो कोई काम नहीं देगा।
इसीलिए मनन का मतलब क्या है कि शास्त्र प्रमाण से जिसका निश्चय हुआ है तो उसमें प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से जो विरोध दिख रहा है उस विरोध का निराकरण करने के लिए युक्तियों से जो है आप विरोध का निराकरण करना, युक्तियों से, युक्ति से विचार करना, युक्तियों से विरोध का निराकरण करना कि यहाँ जो भेद दिख रहा है यह भेद कैसा है, औपाधिक भेद है, आत्मा में भेद नहीं है। जैसे 10 घड़े रख दिए, 10 घड़ों में पानी भर दिए और पानी भर दोगे तो सभी घड़ों में सूर्य प्रतिबिंबित होंगे तो यहां तो 10 सूर्य दिखने लगा। किसी घड़े में पीला रंग डाल दिए, किसी में लाल रंग डाल दिए, किसी में नीला रंग डाल दिए तो पीले घड़े जहां डाले हो वहां पीला सूर्य दिखेगा, किसी में लाल दिखेगा, किसी में हरा दिखेगा। तो उपाधि को लेकर के देखोगे तो अनेक भेद आपको दिखाई पड़ेगा, लेकिन वास्तव में देखोगे तो सूर्य एक ही है, विचार करो ये तो प्रतिबिंब है। इसी प्रकार यहां पे भी ये शरीर आदि घड़े के ही समान समझिए, ये घड़ा ही है एक तरह से, और इसमें जल स्थानी कौन है, अंतःकरण, सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर में आत्मा का प्रतिबिंब पड़ता है जिसको कहा जाता है चिदाभास, और वह चिदाभास ही जीव है। सामान्य चेतन भी है, अंतःकरण और चिदाभास, तीनों को मिलाकर के जीव शब्द से कहा जाता है। अब कई लोग ज्यादा चालाक बनते हैं, बोलते हैं कि महाराज जी आत्मा तो निरवयव है, आत्मा तो निरवयव है, निरवयव का प्रतिबिंब कहाँ से पड़ेगा, प्रतिबिंब तो सावयव का पड़ता है, कोई सावयव वस्तु हो तो उसका प्रतिबिंब पड़ता है, आत्मा तो निरवयव उसका प्रतिबिंब कैसे पड़ेगा। तो देखिए भाई, वस्तु के सामर्थ्य को आप मनमाने ढंग से निराकरण नहीं कर सकते। जैसे अग्नि में जलाने की क्षमता है, वह क्षमता किसी अन्य में है क्या? आप कहो जल में क्यों नहीं है, वायु में क्यों नहीं है? तो जहां पे जो शक्ति है, जो सामर्थ्य है परमात्मा ने दे रखा है, वहीं पे वो सामर्थ्य रहेगा, दूसरी जगह नहीं। जल में गीला करने का सामर्थ्य कहीं दूसरी जगह है क्या? वायु में सुखाने का सामर्थ्य है, आकाश में अवकाश देने का सामर्थ्य है, पृथ्वी में गंध है, ये सब अलग अलग जगह जगह सामर्थ्य है ना। इसी तरह से हमारा अंतःकरण इतना स्वच्छ है क्योंकि ये पंचीकृत अपंचीकृत पंच महाभूतों के मिलित सात्विक अंश का कार्य है, इसलिए इतना स्वच्छ है कि उसमें आत्मा को भी प्रतिबिंब करने की योग्यता है, निरवयव आत्मा को भी प्रतिबिंबित कर लेता है। उसका सामर्थ्य, सामर्थ्य का आप जो है अतिक्रमण नहीं कर सकते, जिसके जिसमें जो सामर्थ्य है उसका आप निषेध नहीं कर सकते। अग्नि के सामर्थ्य को आप दूसरी जगह नहीं दिखा पाओगे। तो आत्मा अंतःकरण इतना स्वच्छ है उसमें आत्मा का प्रतिबिंब पड़ता है, भले आत्मा निरवयव है। इसे चिदाभास, भाई चिदाभासी तो सब घूम रहे और क्या है, प्रत्यक्ष नहीं मालूम पड़ रहा है क्या? प्रत्यक्ष दिख नहीं रहा है, हम भी तो सभी जीव जो है व्यवहार कर रहे हैं। तो इस तरह से तो यहां पे देखिए, तो मैं ये बता रहा था कि जैसे 10 घड़े रख दिए तो उसमें 10 प्रतिबिंब को देख करके छोटा बच्चा कहेगा यहां देखो 10 सूर्य है। इसी प्रकार अविवेकी व्यक्ति उपाधि में ही दृष्टि डाल करके उपाधि के में जो भेद है उसी को देखता है, एक इतनी आत्मा है कहां से एक होगा, ऐक्य बोध कहां से होगा जब इतने हैं। किंतु जब विचार करोगे गुरु की सन्निधि में शास्त्र वाक्यों के आधार पर, तब आपको एक विलक्षण दृष्टि मिलेगी कि नहीं ये तो उपाधि, भेद तो औपाधिक है, आत्मा में कोई भेद नहीं है। इसलिए ते मनन का यही मतलब है, शब्द के द्वारा जिस अर्थ का हमने निश्चय किया प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से विरोध दिख रहा है
उस विरोधों का निराकरण करने के लिए युक्ति से विचार करना। युक्ति शास्त्रीय युक्तियों से विचार करोगे भी, मनमानी युक्तियों से नहीं। मनमानी युक्तियों से विचार करोगे तो उल्टा ही समझ लोगे। ऐसा एक उदाहरण आता है कि कोई आदमी जो है बोला कि भाई मेरे बाल्यावस्था में जितना मेरे शरीर में ताकत थी, युवावस्था में उतनी ही थी, वृद्धावस्था में भी उतनी ही है। सबने कहा ऐसा कैसे हो सकता है भाई, युवावस्था में जितनी ताकत है वृद्धावस्था में उतनी कैसे रहेगी। वो बोला कि नहीं, वो ये जो मेरे घर के आगे बड़ा पत्थर है, इसको मैं युवावस्था में भी नहीं उठा पाता था और वृद्धावस्था में भी नहीं उठा पाता हूँ, इसलिए मेरी शक्ति बराबर बनी हुई है। अब बताओ ये कैसी युक्ति है, ये कोई शास्त्रीय युक्ति कही जाएगी? ये तो मनमानी युक्ति है। तो इसलिए शास्त्रीय युक्तियों से विचार करोगे तभी विरोध का निराकरण होगा। गुरु की सन्निधि में शास्त्रीय युक्तियों से जब विचार करोगे तब आपका विरोध दूर होगा, उसके बिना दूर होने वाला नहीं। अब आया तीसरा, जो कि यहां ब्रह्म तत्वमसि भावय आत्मनि। तुम ब्रह्म हो, वही ब्रह्म हो जो समष्टि उपाधि में, वही व्यष्टि उपाधि में, जो ईश्वर तत्व में है, जो ईश्वर तत्व है वही जीव, जीवोपाधि में भी वही तत्व है, मायोपाधि वाला जो है वही अंतःकरण उपाधि वाला है। तो निधिध्यासन, अब निधिध्यासन क्या है? तो निधिध्यासन का अर्थ किया गया है, उसका लक्षण, निधिध्यासनम नाम अनादि दुर्वासनया विषयेषु आकृष्यमाण चित्तस्य विषयेभ्यो अपकृष्य आत्मविषयक स्थैर्यानुकूलो मानसो व्यापार। अनादि दुर्वासना से विषयों की तरफ जो चित्त हमारा खींचा जा रहा है, जैसे कोई दुर्व्यसनी हो, शराबी हो, वो अपने आप शराब की दुकान पे चले जाएगा टाइम आने पर, वो कितना भी मना करे लेकिन वो समय पे खींचा चला जाएगा। इसी तरह से अनादि काल से विषयों का हमने व्यवहार किया है, विषयों का ग्रहण करके सुख दुख का अनुभव किए है। इष्ट विषय मिलता है तो हम सुखी हो जाते हैं, ऐसा लगता है मैं बहुत बड़ा शांत, सबसे बड़ा शांत मैं ही हूँ, है ना। थोड़े समय के लिए कोई इष्ट मिल गया, वस्तु मिल गया तो बोले क्या, तो हम तो ब्रह्मा जी से भी बढ़ के है, अंदर ही अंदर सोचेंगे मेरे से बड़ा समाहित कौन है, बोले ये लोग कितना क्यों दौड़ रहे हैं। और भले जो है दो दिन बाद खुद दौड़ने लगेगा खुद। तो ये जो है आपेक्षिक शांति थोड़े समय के लिए मिल जाए। इष्ट वस्तु मिलने पर हमें सुख का अनुभव होता है, अनिष्ट वस्तु मिलने पर दुख का अनुभव होता है। तो अनादि काल से हम विषयों में ही रहे हैं, विषयों के साथ व्यवहार किए हैं, इसलिए विषय हमारी बुद्धि में बस गए हैं। इसलिए भले श्रवण करके हमने शास्त्र के तात्पर्य को जान लिया, मनन करके जो है विरोध का भी परिहार कर लिया, तो भी हमारा चित्त उस तरफ खींचा जाएगा, जबरदस्ती वहीं पे जाएगा। इसलिए अब हमारा कर्तव्य क्या है, बार बार जब चित्त वहां जा रहा है तो वहां से हटा करके फिर आत्मविषयक स्थैर्यानुकूलो मानसो व्यापार, आत्मा में ही स्थिर कर दो। तो ये जो है इसे कहते निधिध्यासन। तो इसी यहां जो ब्रह्म भावना है, भावना का मतलब यहां निधिध्यासन अनुसंधान। तो इसमें इस प्रसंग में वहां 10 श्लोक आए हैं, ब्रह्म तत्वमसि भावय आत्मनि। मैं जरा एक दो श्लोकों के आधार पर आपको थोड़ा बताता हूं। उसमें पहला श्लोक आया, जाति नीत्र नीति कुल गोत्र दूरगम नाम रूप गुण दोष वर्जितम देश काल विषयाति वर्तियत ब्रह्म तत्वमसि भावय आत्मनि। जाति नीति कुल गोत्र, जाति क्या है? जाति तो आप जानते हो, ब्राह्मणत्वादि जाति, चार वर्ण है। तो किस जाति कहाँ रहती है भाई, जाति कहाँ रहती है? शरीर में।
शुद्ध आत्मा में जाती है क्या? ब्राह्मण किसे कहेंगे? अगर माता पिता ब्राह्मण है, उसकी संतान को क्या कहा जाएगा? ब्राह्मण। उसकी संतान फिर ब्राह्मण माता पिता से पुत्र हुआ तो उसे ब्राह्मण ही कहा जाएगा, ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ। क्षत्रिय माता पिता है तो क्षत्रिय कहा जाएगा, वैश्य माता पिता वैश्य कहा जाएगा, शूद्र माता पिता है शूद्र कहा जाएगा। तो ये सब कहाँ रहते हैं? तो शरीर में ही रहते हैं, और आत्मा तो शरीर से अत्यंत दूर है। जो तीनों प्रकार का शरीर हमारा है, जैसे स्थूल शरीर है, स्थूल शरीर जीव को क्यों मिला है? स्थूल शरीर है भोग का अधिष्ठान। स्थूल शरीर क्या है? भोग का अधिष्ठान। जैसे हम लोग घर में रहते हैं, इसी तरह से जीवात्मा स्थूल शरीर में रह करके सुख दुख का अनुभव करता है। इसलिए स्थूल शरीर हो गया भोग का अधिष्ठान, भोग का अधिकरण। क्योंकि इंद्रिया, जैसे गाड़ी का इंजन, उसका ऊपर का अगर वो स्वरूप नहीं रहेगा तो इंजन काम नहीं कर सकता। इसी तरह से अगर स्थूल शरीर न हो तो सूक्ष्म शरीर उसके बिना कार्य नहीं कर सकता। स्थूल शरीर में जब जैसे गाड़ी में इंजन फिट हो गया तो गाड़ी कार्य करेगी। इसी तरह से सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर का जो संबंध हो गया, इसी को क्या कहा जाता है? जन्म। जन्म का मतलब स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर का संबंध हो जाना, तभी जो है आगे व्यवहार करेगा। और मरण का मतलब क्या है? सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर के संबंध का वियोग हो जाना। जो सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर को छोड़ करके चला गया, उत्क्रमण करेगा। सूक्ष्म शरीर तो आने जाने वाला है, परिच्छिन्न है। स्थूल शरीर भी परिच्छिन्न है, सूक्ष्म शरीर भी परिच्छिन्न है। प्राण चले गया, प्राण मतलब प्राण से विशिष्ट जो पूरा 17 का जो समुदाय अथवा 19 का समुदाय, उसको सूक्ष्म शरीर है। तो जन्म का मतलब स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर का जो संबंध हो गया, और मरण यानी दोनों के संबंध का विच्छेद हो गया। तो स्थूल शरीर है भोग का अधिष्ठान, इसी में जीवात्मा सुख दुख का अनुभव कर। नव द्वारे पूरे देही नैव कुर्वन्न कार्यं, नव दरवाजे वाले शरीर में रहता है। वास्तव में आत्मा कुछ नहीं करता, उपाधि में ही सब कुछ हो रहे। और इसके बाद सूक्ष्म शरीर फिर क्या है? सूक्ष्म शरीर को करण स्थानी माना जाता है। जैसे लकड़ी काटना हो तो कुल्हाड़ी चाहिए, कहीं जाना हो तो वाहन गाड़ी चाहिए, वाहन से आप जाओगे। भोजन बनाना हो तो अग्नि चाहिए, यह है करण। गमन के लिए जैसे वाहन करण हो गया, काष्ठ छेदन करना है तो कुठार कुल्हाड़ी कर साधन बन गई, भोजन बनाना है तो अग्नि जैसे साधन करण बन गया। इसी तरह से सूक्ष्म शरीर क्या है? करण स्थानी। हम पांच विषयों का जो अनुभव कर रहे, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, चक्षु के द्वारा हमें किसका ज्ञान होता है? रूप का। चक्षु नहीं होगी तो रूप का ज्ञान होगा? रूप का ज्ञान नहीं होगा, चक्षु होगी तभी रूप का ज्ञान होगा। इसी तरह से पांचों इंद्र ज्ञान इंद्रियों के द्वारा पांचों विषयों का हम अनुभव करते हैं। और इष्ट वस्तु का अनुभव किए तो हमें सुख का ज्ञान होता है, अनुकूल मालूम पड़ता है। अनिष्ट वस्तु का दर्शन ज्ञान हुआ तो हमें जो है प्रतिकूल मालूम पड़ता है, दुख होता है। तो ये जो सूक्ष्म शरीर हो गया क्या है? एक करण स्थानी लेना है ना, साधन स्थानी। इसी प्रकार उसमें कर्म इंद्रियों के द्वारा कर्म करते हैं, ते सब हो गया करण स्थानी। और तीसरा बच गया कौन? कारण शरीर। अब कारण शरीर क्या है? कारण शरीर तो दोनों शरीरों की मम्मी है, समझ लो। दोनों शरीरों की माँ है, दोनों शरीरों की जननी है। शरीरद्वय कारणम आत्मा ज्ञानम, दोनों ही शरीरों का कारण है आत्मा का अज्ञान। आत्मा के अज्ञान से ही दोनों शरीर उत्पन्न होते हैं। भाई सच्चिदानंद को नहीं जान रहा है तभी तो अपने आप को जीव रूप में जानेगा।
इसलिए मोह का मतलब क्या है? मोह का मतलब यही है कि अपनी सच्चिदानंद रूपता को भूल करके दृश्य में शरीर आदि में मैं मेरा भाव करना, यही है मोह। अपनी वास्तविक स्वरूप को भूल गए, सच्चिदानंद रूपता को भूल गए और दृश्य में मैं मेरा करना, इसी को मोह कहा जाता है, यही है मोह। इसलिए गीता में तो कई जगह आपको अहम ममेति संसार, संसार क्या है, अहम मम अहंता ममता। तो कारण शरीर क्या हो गया कि दोनों शरीरों का कारण है, इसलिए उसको कारण शरीर कहते हैं। शरीर शब्द क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये विनष्ट होते हैं ना तीनों, शीर्यते इति शरीरम, तीनों विनष्ट होते, श्री हिंसायाम धातु से बना है, तो शीर्यते इति शरीरम, स्थूल शरीर भी विनष्ट होता है, सूक्ष्म शरीर भी ज्ञान से विनष्ट हो जाएगा, बाधित हो जाएगा, कारण शरीर भी ज्ञान से बाधित होता है। इसलिए यहां श्लोक में कह रहे जाति नीति कुल गोत्र दुर्गम। जाति तो शरीर का धर्म है, शरीर से आत्मा बहुत दूर है, हम तो शरीर के साक्षी है, न जाने कितने शरीर हमें मिला बदल गया और आगे भी मिलेगा, जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक ये जो है धारा रुकेगी नहीं, ये चलती ही रहती है भाई। अनादिकाल संसार कब से शुरू हुआ ये कोई बता सकता है? अनादिकाल से, तो तभी से परंपरा चल रही है, और जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक ये चलता रहेगा। तो इसलिए यहां ये बता रहे कि मैं तो हमेशा रहने वाला, जागृत अवस्था में भी रहता हूं, सपनावस्था में भी रहता हूं, सुषुप्ति अवस्था में भी रहता हूं, फिर दोबारा जाग गया, फिर मैं अनुभव कर रहा, मैं तो वही का वही हूं, जो मैं बाल्यावस्था में वही युवावस्था में वही वृद्धावस्था में, प्रतिभिज्ञा होती नहीं, मैं वही हूं। प्रतिभिज्ञा मतलब पहचान, मतलब पहचान बोलते ना उसी को संस्कृत में प्रतिभिज्ञा कहते हैं, पहचान रहे हो ना मैं वही हूँ जो बाल्यावस्था में था, वही युवावस्था में, वही अभी वृद्ध, कोई पूछना पड़ेगा क्या किसी से कि मैं वही हूँ क्या? आप पहचानते हो अपने आप को कि मैं वही हूँ, यानी मैं इस शरीर से अलग हूँ। इसलिए वहाँ कहते जाति नीति, नीति मतलब कई नीति होती, राजनीति, धर्म नीति, कुल नीति, गोत्र भी कई प्रकार, भारद्वाज गोत्र है, कोई जो है आत्रेय गोत्र का है ना, कोई सांडिल्य गोत्र का है, मतलब उस ऋषि की संतान है, उस ऋषि की परंपरा में आए हुए। जाति नीति कुल गोत्र, कुल भी बहुत से होते हैं, ऋषि का कुल कई ऋषि, हाँ तो ये कुल हो गए, गोत्र हो गया, ये सब शरीर आदि के आश्रित है, और मैं शरीर आदि का साक्षी हूँ, इसको देखने वाला हूँ, प्रकाशन करने वाला। जैसे नदी के किनारे बैठ गए तो नदी की धारा बह रही है और धारा लगातार चल रही है, उसी में थोड़ा तरंग फेन बुदबुद सब आ रहे हैं, तो परिवर्तित हो रहे हैं, और आप एक रस बैठ करके उसको देख रहे हो। इसी प्रकार यहाँ भी धारा चल रही है और हम क्या है, देख रहे हैं। तो देखने वाला दृश्य से अलग ही होता है, दृष्टा जो है दृश्य से अलग होता है। धारा के बगल में बैठ करके हम देख रहे हैं तो हम उस धारा से अलग है। इसी प्रकार ये शरीर आदि धारा चल रही जो लगातार बदल रहा है, इसको हम देखने वाले, इसलिए हम इससे क्या है, भिन्न है। तो आ इसलिए बता दे जाति नीति कुल गोत्र दुर्गम नाम रूप गुण दोष वर्जितम। नाम रूप से भी रहित सृष्टि क्या है मालूम है? सृष्टि किसे कहते हैं? नाम रूप का उद्भव हो जाना यही है सृष्टि। नाम रूप प्रकट नहीं है उस समय बीज दशा कहा जाता है। जैसे कोई बहुत बड़ा वृक्ष खड़ा है, ये वृक्ष कहाँ से आया? एक बीज से आया। बीज से कैसे आ गया? बीज को जमीन में गाड़े, उसको पानी मिल गया, उचित वातावरण मिला, तब उसमें अंकुर फूट गया और फिर बड़ा धीरे धीरे बड़ा होते होते इतना विशाल वृक्ष का रूप धारण कर लिया। किंतु पहले क्या था? बीज दशा में था।
बीज दशा में नाम रूप का उद्भव नहीं है, वृक्ष नहीं है ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि शून्य से कभी उत्पन्न नहीं हो सकता। अगर शून्य से उत्पन्न हो तो मक्खन निकालने के लिए दूध क्यों लोगे, पानी से निकाल लो, तेल निकालने के लिए जो है तिल आदि क्यों लोगे, बालू से क्यों नहीं निकाल लेते। तो शून्य से नहीं उत्पन्न होता, वो किसी न किसी रूप में है, बहुत सूक्ष्म रूप में है। बीज के अंदर ही वृक्ष विद्यमान है, लेकिन वो बहुत सूक्ष्म रूप से है, इसलिए वो मालूम नहीं पड़ता। वही जब उचित वातावरण मिल करके जो उसकी अभिव्यक्ति हो गई, एक रूप बन गया, उसको हम नाम दे दिए, एक विशेष नाम दे करके व्यवहार करने लगे, इसको क्या कहते हैं, सृष्टि। यही है सृष्टि। पंचदशी में तो सीधे बता दे, नाम रूपोद्भवस्यैव सृष्टित्वात् तत्पुरा, नाम रूपोद्भवस्य सृष्टित्वात् सृष्टितः पुरा न तयोरुद्भवस्तस्मात् निरंसं सद् यथा वियत्। नाम रूप का उद्भव होना, प्राकट्य होना, यही है सृष्टि। घट बनने से पहले मिट्टी है, मृत्तिका, उसको कुलाल ने एक विशेष व्यापार के द्वारा एक आकार दे दिया, उस आकार को क्या कहेंगे, रूप। रूप मतलब आकार, एक शरीर का अधिक आकार है ना, यही है रूप। रूप का मतलब केवल गोरा काला ही नहीं लेना रूप का मतलब केवल गोरा काला के यही रूप है इसके नहीं, रूप का मतलब एक आकार। तो मिट्टी जो है पहले केवल ऐसे ही थी, उसका एक विशेष आकार दे दिया, तो उसका जो है आकार आने, ये आकार आ गया, यही रूप। अब उसको व्यवहार करना पड़ेगा, व्यवहार करने के लिए उसका एक नाम दे देते हैं। जैसे आप सभी का एक नाम दिया गया, अगर नाम नहीं देते तो क्या होता, बहुत परेशानी होती, अरे लंबे इधर आ और कितने लंबे यहाँ घूम रहे हैं, एक को बुलाने से पास आएंगे, अरे छोटे इधर आ, ये काले, ये मोटे इधर आ, बहुत परेशानी होगी भाई। इसीलिए उसका एक विशेष नाम दे देते हैं, भाई आपका ये नाम है अथवा वस्तु का ये नाम है। नाम दे देने से एकदम अच्छे से व्यवहार होगा। जैसे कहते हैं सुरेश शर्मा इधर आओ, जो सुरेश शर्मा है तुरंत आएंगे, दूसरा अपने अपनी जगह पर बैठे रहेंगे। तो इसलिए एक मतलब सृष्टि का मतलब यही है कि नाम और रूप का उद्भव हो जाना। तो परमात्मा से कैसी सृष्टि हुई, परमात्मा तो निर्विकार है, निर्विशेष है, तो उससे कैसे सृष्टि होगी, इसलिए माया शक्ति को माना गया। जैसे कोई आपका एक बहुत पुराना व्यक्ति मिला और साथ में उसका एक लड़का भी है, तो लड़के को देख के कहोगे ना, अरे तुम्हारी शादी हो गई क्या, तो बोले हाँ मेरी शादी हो गई, क्योंकि बिना विवाह के लड़का नहीं होगा, कोई पत्नी होगी तो अकेले पुरुष से होगा क्या। ऐसे यहाँ पे शुद्ध चैतन्य जो निष्क्रिय है, निर्विकार है, उससे जगत हो नहीं सकता है। इसीलिए वही चैतन्य जब माया से विशिष्ट हो जाता है तो उसको कहते ईश्वर। उसी ईश्वर से फिर पांच आकाश आदि के क्रम से पहले सृष्टि होती है। आकाश आदि के क्रम से सृष्टि हो करके जो सूक्ष्म शरीर बता दिया, अपंचीकृत पंच महाभूत है, सूक्ष्म शरीर हो गए, फिर पंचीकरण हो करके नाना प्रकार के शरीर, लोक, अन्न सब बन जाते हैं। तो जो है नाम रूपात्मक है सृष्टि, नाम रूप का उद्भव हो गया, यही है सृष्टि। इसलिए वहां कह दे नाम रूप गुण दोष वर्जितम, गुण दोष से अंतःकरण में जो बहुत से दोष है, जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये दोष, और गुण जिसके अंदर अहिंसा है, सत्य है, लज्जा है, क्षमा है, ये सब हो गए गुण। ये सब भी कहाँ रहते हैं, अंतःकरण में ही रहते हैं, अंतःकरण का ही धर्म है। श्रुति बृहदारण्यक में ही आ गया है, काम संकल्प विचिकित्सा धी रीर भीर इत्येत सर्वं मन एव। तो वही परमात्मा जब माया से विशिष्ट हो गया तो
उसी से जगत हो गई, नाम रूप का उद्भव। तो माया के माध्यम से सृष्टि हुई, इसलिए परमात्मा में कोई जो है विकार नहीं। इसलिए वहां कहते नाम रूप गुण दोष वर्जितम, देश काल विषयातिवर्तीयत। देश काल विषय है ना, तीनों तीनों प्रकार का परिच्छेद नहीं उसमें, देश काल भी उसमें कल्पित है, इसलिए देश को लेकर के परिच्छेद नहीं कह सकते। काल भी उसमें कल्पित है, काल की भी सृष्टि हुई है, और वस्तु सभी माया से ही बने हैं, इसलिए वस्तु को लेकर के भी परिच्छेद नहीं कर सकते। इसलिए तीनों का अतिक्रमण कर दिया है। अब आप कहोगे कि नहीं, अब इतने प्रामाणिक व्यक्ति ने जगत बनाया और मिथ्या कैसे होगा? तो भाई प्रामाणिक व्यक्ति ने जगत बनाया लेकिन माया से बनाया है ना, प्रामाणिक ने बनाया, इसीलिए तो जो आपका कर्म है आपको ही फल मिल रहा है, दूसरे का दूसरे के कर्म से नहीं मिल रहा है। इधर की थोड़ी बहुत हेरा फेरी भी नहीं हो जाएगी, उसका मुझे मिल गया, मैं क्यों दुखी हूँ, वो कितना सुखी है, ऐसा बोल देते ना कई बार लोग बोलते हैं। हम लोग तो इतना सत्संग करते हैं, इतना जाप करते हैं, ध्यान करते हैं, हमारे बगल वाला कुछ नहीं करता, वो लोग सुखी है और मैं कितना दुखी हूँ, ऐसा लोग बोलते हैं। तो भाई बात ऐसी है कि वो पिछले जन्म में करके आया है और आप अभी कर रहे हो, इसलिए वो अभी नहीं कर रहा है तो भी मिल रहा है, अभी हम जो कर रहे हो तो आगे मिलेगा ना। तो वहां पे देखिए कि देश काल विषयातिवर्तीयत, देश काल विषय सबका अतिक्रमण किया हुआ है, सब उसी में कल्पित, इसलिए किसी भी प्रकार का परिच्छेद नहीं है उसमें। माया से जगत बना है इसलिए माया से ही सब व्यवहार चल रहा है। जैसे स्वप्न में वहां पे वहां की जो निद्रा की आवरण शक्ति से स्वरूप ढक गया और विक्षेप शक्ति से सब व्यवहार हो रहा है। खाया पिया आदमी अपने आप को भूखा देख रहा है, घर के अंदर कमरे में सोया है और वहां स्वप्न में देखेगा जंगल में भटक रहा है, तो वहां भी भेद दिख रहा है, नाना प्रकार के व्यवहार दिख रहे हैं, लेकिन वो सत्य नहीं है। इसी प्रकार यहाँ पे जो व्यावहारिक सत्ता है यह भी माया से ही पूरा व्यवहार चल रहा है। हम सच्चिद आनंद रूप है क्योंकि तीनों कालों में रहने वाले हैं, और चिद यानी जानने वाले ज्ञान स्वरूप, और तीसरा आनंद। तो आनंद इसलिए है कि बिना उपाधि के संबंध के कोई दुख होता नहीं। अगर उपाधि के संबंध के बिना आप अपने आप में दुख दिखा दो तो आपको 51,000 रुपए इनाम दूंगा, आपको अभी इनाम दे देंगे। बिना उपाधि के संबंध के कोई दिखा सकता है? बोलो, अरे कभी भी बोलो कि मेरे हाथ में दर्द है, सिर में दर्द है, पैर में दर्द है, मेरा पेट खराब है, मेरी आंख से ठीक नहीं दिख रहा है, बिना उपाधि के संबंध के आप आत्मा में दुख दिखा ही नहीं सकते। इसलिए उपाधि से जो आया औपाधिक है, नैमित्तिक है। तो जब हम शरीर आदि से जुड़ रहे हैं इसलिए शरीर आदि के धर्म हम में दिखाई पड़ रहे हैं। इसको बोलते धर्माध्यास, ठीक है? ये क्या है? धर्माध्यास। अध्यास मतलब आरोप, भ्रांति, ये सब शरीर आदि का अध्यास हम में हो गया है। पहले धर्मी अध्यास हो करके, प्रायः करके, सर्वत्र तो नहीं कह रहा हूं, प्रायः करके धर्मी अध्यास पूर्वक धर्माध्यास होता है। जैसे लोहे के गोले को अगर आप तपा दिए, एकदम लाल दिख रहा है, तो अग्नि और लोहा फिर अलग अलग नहीं दिखेंगे। अग्नि अलग है, लोहे का गोला अलग है, लेकिन जब आपने लोहे के गोले को गर्म कर दिया तो एकदम लाल दिखेगा, अग्नि अलग लोहे का गोला अलग अलग नहीं दिखेगा। तो दो धर्मी का एक दिखाई पड़ना, इसको कहते धर्मी अध्यास, अलग अलग नहीं मालूम पड़ेंगे। इसलिए परस्पर एक दूसरे के धर्मों का जो है व्यत्यास मालूम पड़ेगा। अग्नि के धर्म कहाँ दिखेंगे? लौह पिंड में, लोहे ने जला दिया मुझे, लोहा जलाता है, प्रकाश करता है, और अग्नि को अग्नि गोल दिख रही है,
इसमें गुरुत्व देखो नीचे की तरफ जा रही है। तो धर्मी अध्यास पूर्वक धर्माध्यास, इसी प्रकार यहां पे भी आत्मा में भी शरीर आदि का अध्यास हो गया अज्ञान से। अब इसमें कोई कहे कि नहीं महाराज ये तो सच्चिदानंद रूप है, स्वयं प्रकाश है, इसमें कहां से अध्यास होगा? सूर्य में कभी अंधेरा होता है क्या? कभी अंधेरा होता है सूर्य में? फिर सच्चिदानंद जो है स्वयं प्रकाश है, वहां पे अध्यास कहां से होगा? तो भाई देखिए इसका समाधान है, आप ब्रह्म सूत्र पढ़ेंगे भाष्य रत्न प्रभा में शुरुआत में ही इसका समाधान दिए है कि अध्यास युक्ति से आप कह रहे हो कि नहीं होना चाहिए कि अनुभव से कह रहे हो? युक्ति से तो हम भी कहेंगे कि सही बात है, सूर्य में कहां से अंधेरा आएगा? युक्ति से हम कहेंगे रस्सी में कहां से सर्प आएगा? लेकिन अनुभव होता है कि नहीं ये बताओ। युक्ति से तो आप कह सकते हो कि अध्यास हो नहीं सकता, सच्चिदानंद में स्वयं प्रकाश में कहां आएगा ये सब? तो बात सही है, लेकिन अनुभव में क्या आ रहा है? मैं कहने से आपको किसका ध्यान आता है? अगर सच्चिदानंद का ध्यान आ रहा है तो समझ लो ठीक है, आप अध्यास से परे हो गए हो हमेशा के लिए। हाँ ये नहीं कि स्वामी जी जब सत्संग करा रहे उस समय तो मैं सच्चिदानंद मानता हूं, अरे उस समय तो होता ही है, महात्माओं के सामने बैठने से ऐसा लगता है कि हम ब्रह्मा जी के बाप है। लेकिन सत्संग हॉल से बाहर निकल करके आप क्या अनुभव करते हो? झगड़ा कर लेते हो किसी से, हाथापाई भी हो जाती कहीं कहीं। एक बार एक कोई आदमी जो है बोल रहा था, किसी महात्मा को डांट रहा था, क्या आप पढ़ाते हो इनको, ये सत्संग हॉल में तो ठीक रहते बाहर निकल करके झगड़ा करते हैं, आप इनको क्या पढ़ाते हो? तो भाई देखो यद्यपि सच्चिदानंद है, युक्ति से अध्यास हो नहीं सकता है, लेकिन अनुभव में तो आ रहा है कि मैं जो है मनुष्य हूं, गोरा हूं, काला हूं। तो शरीर आदि के धर्मों को हम आत्मा में आरोपित कर रहे हैं और आत्मा की चेतनता का आरोप शरीर आदि में हो रहा है। धर्मी अध्यास पूर्वक धर्माध्यास, इसलिए अध्यास की निवृत्ति के लिए वहां बता दिए ब्रह्म तत्त्वमसि भावय आत्मनि। तो जो इस प्रकार का सभी सांसारिक धर्मों से रहित है ऐसा ब्रह्म वही तुम हो, तुम वही हो। तो वहां पे आप कैसे शब्द के द्वारा कैसे हम जान पाएंगे? जिसमें कोई सांसारिक धर्म नहीं तो कैसे जान पाएंगे शब्द से? तो आप बताए लक्षणावृत्ति के द्वारा, क्योंकि आत्मा में कोई जो है नाम रूप गुण आदि है नहीं, शब्द की प्रवृत्ति का निमित्त नहीं है, इसलिए साक्षात जो है बोध तो नहीं कराया जा सकता लक्षणावृत्ति के द्वारा। लक्षणावृत्ति क्या है? लक्षणावृत्ति का अर्थ है शक्य संबंधो लक्षणा, जो शब्द का जो अर्थ है अर्थ नहीं लेकर के उससे संबंधित को लेना, उसके संबंधित को ले लीजिए। और लक्षणा क्यों करते? तात्पर्य की अनुपत्ति से। तात्पर्य का अर्थ मैं आपको बता दिया, वक्ता कहना क्या चाहता है। तो जीव ही ब्रह्म है, जीव ही ईश्वर है, लेकिन यहां तो भेद मालूम हो, सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, मैं तो अल्पज्ञ अल्प शक्तिमान हूं, दोनों में एकता कैसे हो सकती है? तो इसलिए एकता विशिष्ट में एकता तो नहीं हो सकती, इसलिए विशिष्ट को छोड़ करके उपाधि को छोड़ करके सामान्य अंश को ले लीजिए तो आपको एकता मालूम पड़े। जैसे यह वही घोड़ा है जो वहां देखा था, तो देश काल को लेकर के देखोगे तो विरोध मालूम पड़ेगा, और देश काल को छोड़ करके देखोगे तो पिंड में व्यक्ति में एकता मालूम पड़ जाएगी। इसी प्रकार माया से विशिष्ट होकर के वह सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, अंतःकरण और अज्ञान से विशिष्ट होकर के अल्पज्ञ अल्प शक्तिमान, लेकिन चेतन दोनों एक ही है। तो उपाधि को लेकर के भले भेद दिख रहा है,
किंतु उपाधि अंश पे अगर हम दृष्टि हटा ले तो कोई भेद नहीं है। तो लक्षणा के द्वारा जो है ये बोध हो जाता है। इसलिए ऐसा जो तत्व है वही मैं हूँ, वही मेरा वास्तविक स्वरूप है। तो ब्रह्म तत्वमसि भावय आत्मनि, यहाँ पे वहाँ 10 श्लोक आए हैं और भी विस्तार तो बहुत ज़्यादा है। अब स्वामी जी तो सुना रहे हो तो बहुत पुराने जो है पूरे भारतवर्ष में प्रसिद्ध है, तो इसलिए इतना ही कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति शांति शांति। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। महाराज जी आपके दर्शन करके, आपको मिलके, आपको सुनने से बाद बहुत आनंद होता है। हमारी परंपरा के ये गौरव का हम अनुभव करते हैं। कैसे गुरु से शिष्य को ये ज्ञान प्रदान किया जाता है, संप्रदान होता है, और शिष्य भी गुरु के समान हो जाता है। गुरु अपने शिष्य को अपने समान बना देते हैं। जैसे स्पर्श लोहे को भी, वो तो स्पर्श तो सिर्फ सोना बना देता है, लेकिन गुरु तो स्पर्श को स्पर्श बना देता है। ये सब देख के बहुत आनंद होता है। और ये युवा महामंडलेश्वर और आचार्य महामंडलेश्वर निरंजन नखाड़े में भी महामंडलेश्वर और सबके आचार्य महामंडलेश्वर का स्थान है। और जैसे माता जी ने कहा, सर्व महामंडलेश्वर नियुक्ति तो अखाड़े महामंडलेश्वर करते हैं, लेकिन आचार्य की नियुक्ति आचार्य करते हैं, वो ऐसे वैसे नहीं होती है। जब योग्यता होगी तभी यही नियुक्ति होती है। और कैलाश आश्रम की बहुत भव्य परंपरा रही है। बड़े बड़े दिग्गज महात्मा हो गए हैं जिन्होंने बहुत नामना प्राप्त की है, प्रशंसा प्राप्त की है, और जिन्होंने अपनी परंपरा में बड़े बड़े महात्माओं का भी निर्माण किया है। ये सब हमको बहुत प्रसन्नता देती है। ऐसी बहुत बढ़िया संस्था है जिसमें अभी तो शायद 125 साल हो गए, 142, क्योंकि विद्या में महाराज आए थे 79 में, तब वो सेंचुरी मतलब, हाँ तो 142 ईयर्स हो गए। द्वादश तो ऐसी संस्था भारत में है, अपनी परंपरा में है, और ऐसे बहुत तेजस्वी महात्मा उसकी परंपरा में रहे हैं। और हमको विश्वास है ही क्या वही परंपरा को विभूषित करेंगे, कर रहे हैं और करेंगे। और ये वैदिक परंपरा को भी वैसे एक शोभा,
अरे गर्व प्रदान करेंगे। क्योंकि ये परंपरा बहुत महत्व की चीज है, गुरु परंपरा बहुत महत्व की बात है, और ये परंपरा में वैसे ही विशिष्ट तेजस्वी विद्वान महात्मा होने चाहिए, और ऐसे एक महात्मा को देख के सुन के हमको बहुत प्रसन्नता होती है। हम तो आपसे बहुत बड़े हैं, पद से बड़े नहीं है लेकिन उम्र से बड़े हैं। आप तो वयो वृद्ध तो हम है लेकिन तपो वृद्ध ज्ञान वृद्धि आप रखते हैं, और हम इसका बहुत आदर करते हैं। बहुत आनंद होता है आपको देख के, आपको सुन के, और वृद्ध होने से आशीर्वाद भी देते हैं। क्या आप इस परंपरा को एक गौरव प्रदान करते रहेंगे? इस हमको विश्वास है और रहेगा कि वैदिक परंपरा जो है उसका गौरव तो बना ही रहेगा और बढ़ता ही रहेगा। आपके द्वारा भी ऐसे दूसरे विद्वान महात्माएं भी उत्पन्न होंगे, हो रहे होंगे और होंगे, जो इस परंपरा को भी गौरव प्रदान करेंगे, विभूषित बनाएंगे और इस रूप से हमको बहुत बड़ा आनंद है आपको देख के, मिल के, सुन के। हमारे सभी सार्थक गण है, उनको बहुत आनंद हुआ, बहुत प्रसन्नता हुई है सुन के, और एक ही प्रवचन में समग्र शास्त्र का सारांश भी आपने दे दिया। मीमांसा क्या कहते हैं, सांख्य क्या कहते हैं, न्यायी क्या कहते हैं, योगी क्या कहते हैं, श्रवण क्या है, मनन क्या है, निधिध्यासन क्या है, इससे बहुत बड़े महत्व के विषय एक ही प्रवचन में उनका सबका समावेश कर लिया गया, और इसलिए साधकों को एक वही भृंगावन हो गया समग्र वेदांत का। इससे भी हम प्रसन्न हैं, आपको धन्यवाद देते हैं, और भविष्य में भी ऐसा संयोग बना रहेगा। कि जब हम यहाँ यदि आएंगे तो आप यहाँ यदि आए तो निमंत्रण देंगे और आपकी वाणी का श्रवण करने का फिर सौभाग्य प्राप्त होगा हमको सबको। इससे ही हम यहाँ विराम लेते हैं और आपको बहुत बहुत शुभेच्छा भी प्रदान करते हैं। ओम।